जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। गुरु कराल रुद्र तारा कॉल जी, आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2023 के अंदर और Instagram पे श्री गुरु कराल रुद्र तारा कॉल जी के ऊपर। भगवती माँ भगवती कामाख्या आप सभी का कल्याण करें। तंत्र साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र तारा कॉल जी आज एक विशेष साधना के ऊपर आप सभी के ऊपर प्रकाश डालने वाले। बहुत समय से बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए थे कि गुरु महाराज जी आप शीतला माता की जो है साधना के ऊपर अपना कुछ प्रकाश डाली है। ज्यादातर लोग शीतला माता के बारे में वार्तालाप करते हैं, ज्यादातर लोग शीतला माता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आजकल लोगों ने जगह जगह शीतला माता के नाम पर ढोंग पखंड पेल रखा है। इसके बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत करिए। देखिए, हमारे कामाख्या में शीतला माता जो पूजी जाती है वो मूल रूप में वो संपूर्णित पूजी जाती है। यहाँ पे सिर्फ शीतला माता मसाणी माता के साथ में पूजी जाती है, किंतु हमारे यहाँ शीतला माता की सब उपगणिकाएं और शीतला माता मुख्य रूप में ज्वर की देवी जो होती है, मूल रूप में बुखार की, चेचक के रोग की, हैजे के रोग की, बुखार के रोग की, त्वचा के रोग की और जो है खराब खून की देवी होती है। किसी भी प्रकार की अगर किसी को समस्या होती है, शीतला माता के झाड़े लगवा लेने से, सात झाड़े कर देने से सामने वाला अच्छे से अच्छे तरीके से रोग मुक्त हो जाता है। वैसे तो जो है माँ शीतला की साधना जो होती है वो संपूर्ण रूप में करने के लिए एक साधक को 6 महीने से ऊपर का समय जाता है। हमारे कामाख्या मंदिर में भी माँ शीतला का जो स्थान है, कामाख्या माई के भूमंडल गर्भ मध्य के साथ में ही विराजमान है। शीतला माता जो होती है वो मूल रूप में चेचक के रोग और जो है खुजली के रोग, बीमारी के रोगों की जो है अधिष्ठात्री देवी होती है। हमारे यहाँ मूल रूप में भगवती की जो सवारी बताई गई है वो गर्दभ बताई गई है। गर्दभ जो होता है इसको मूढ़ता का प्रतीक भी बोला जाता है। ज्यादातर लोग मतलब ये बोलते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम मूढ़त्व, तो तुम्हारे अंदर मूढ़ता भरी हुई है ना, तो तुम गर्दभ हो अर्थात तुम गधे हो। भगवती को हमारे यहाँ गर्दभ का स्वरूप गधा नहीं बोला गया, हमारे यहाँ मूर्खता को गर्दभ बोला गया कि भगवती जो व्यक्ति मतलब ये जो रोग हैं भगवती के माध्यम से ठीक हो सकते हैं उनको डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से करवाते घूमते हैं, तो इसलिए लोग गर्दभ हैं अर्थात गधे हैं वो लोग जो भगवती की लीला को ना समझ करके इसको एक रोग मानते हैं। और भगवती उन्हीं मूर्खता की, उसी मूर्खता की भगवती सवारी करती है अर्थात भगवती मूर्खता को अपने चरणों के नीचे रखती है। इसलिए जो व्यक्ति माँ शीतला की साधना करता है, आराधना करता है, उसकी उसको कभी भी मूर्खता उसको जो है जीवन में कभी नहीं आती, वो मूर्खता को हमेशा अपने चरणों के नीचे जो है रखता है और वो व्यक्ति बड़ा ही चुस्त चालाक और स्फूर्तिदार हो जाता है जो भगवती शीतला की आराधना करता है। आज हम भगवती शीतला की साधना और आराधना के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा में मध्यरात्रि का जो है ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मध्यरात्रि में 1.5 घंटे का चंद्र ग्रहण और इस 1.5 घंटे के चंद्र ग्रहण के मध्य आप माँ भगवती शीतला के जो है एक स्वरूप जिसमें आप किसी को भी त्वचा के रोग और खून के रोग को जो है आप ठीक कर सकते हो, अर्थात किसी के भी शरीर में दवाई ना लग रही हो, उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, बार बार उसके स्किन के ऊपर चेचक जैसे रोग हो गए हो, या फिर उसकी स्किन के ऊपर जैसे खुजली जैसी प्रॉब्लम हो गई हो, हर्पिस जोस्टर हो गया उसको, या फिर उसको रिंगवॉर्म जैसी प्रॉब्लम हो जाती है ना, गोल गोल खुजली वाली हो जाती है, लाल लाल करते हैं फिर वो फैलता रहता है, ऐसी किसी पे प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर किसी का खून खराब हो गया हो, या बार बार उसको ज्वर आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, बुखार ना टूट रहा हो, या फिर किसी के ऊपर चेचक जैसे रोग हो गए हो, या किसी को खुजली की बीमारी हो गई हो, या फिर किसी के जो होता है ना कि मतलब सफेद दाग हो गए हो और वो ठीक होने का नाम ना ले रहे हो, आप इसके झाड़े लगा देने मात्र से 7 दिनों के अंदर आप चमत्कार देखोगे कि माँ भगवती की कृपा से कि वो उस व्यक्ति के झाड़े लगाने से जो है उस व्यक्ति के कहां से कहां चले गए। ये समाज के लोगों की भलाई की साधना है, इसी के लिए आज हम इसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो संपूर्ण रूप में माँ भगवती शीतला को जो है सिद्ध करने के लिए ना घेटूकरण जो होता है, भगवती का जो है सेवक बोला गया घेटूकरण। घेटूकरण का जो कार्य होता है वो खून के रोगों को और जो है शरीर में जो चमड़ी के जो रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए घेटूकरण की साधना होती है, वो अलग होते हैं। इसके सिवा रक्ताभरी देवी की साधना होती है जो कि माँ भगवती शीतला की पुत्री बोली गई है। रक्ताभरी देवी की साधना से किसी भी प्रकार का रक्त की समस्या किसी को उत्पन्न हो रही हो, किसी का रक्त ना चढ़ता हो, किसी का खून कम होता हो, हर महीने किसी को खून चढ़ाना पड़ता हो, या जिसका खून पानी बन गया हो, या जिसको खून ही ना चढ़ता हो, या जिसका मतलब शरीर के अंदर खून ना बनता हो, उसके जो है भगवती के उपवास करने से, जिसकी साधना करने से वो ठीक हो जाता है। या इसके सिवा ज्वरासुर जो होता है जिसको बुखार ना टूट रहा हो, जिस व्यक्ति को बार बार ज्वर आ रहा हो, ज्वरासुर की साधना से भी वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये साधनाओं के विषय के बारे में हम बाद में बात करेंगे। संपूर्ण शीतला सिद्ध करने के लिए इन सब को भी सिद्ध करना पड़ता है। आज सिर्फ माँ शीतला के बारे में हम आपको बताते हैं। शीतला माता को सिद्ध करने के लिए पहली चीज तो माँ शीतला के बाजोट का आसन होना चाहिए। बाजोट जो होता है, बाजोट के आसन का जो है माँ शीतला की साधना में विशेष योगदान होता है, महत्व होता है। इसी के साथ कनेर की जो माला होती है वो भगवती शीतला की साधना में इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? ये 1.5 घंटे के अंदर ही ये जो है मंत्र सिद्ध हो जाएगा जो हम बताने वाले हैं।
बाजोट की जो माला होती है वो माँ शीतला की जो है साधना में इम्पोर्टेंट होता है। शीतला की साधना के बीच में घट का होना बहुत जरूरी है, अर्थात एक अष्ट धातु का आपको एक घड़ा बनवा लेना है, छोटा सा एक मटकी बनवा लेनी है या लोटा बनवा लेना है। उसके ऊपर आपको ऐसे जैसे इस पे देख लीजिए, जैसे ये स्टार बना हुआ ना ऐसा, इस प्रकार की आपको स्मिधा उसके ऊपर बना लेनी है, खुदवा लेनी है उसके ऊपर मूल रूप में। इसी के सिवा जो विषा पात्र होता है ना, एक नारियल आता है जो कि समुद्र में उगता है, उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, उसको काट करके जो खप्पर बनता है वो विषा पात्र होता है, वो जहरीला होता है। उस विषा पात्र की आपको जो है स्थापना इसके साथ करनी पड़ती है, उसी जो है कलश मंडल के ऊपर। और भगवती को जो सबसे अधिक प्रिय है वो भगवती को पता है घेटूकरण के जो है पांव की मिट्टी, अर्थात गधे के जो पांव की मिट्टी जो होती है उसको सात चौराहों की मिट्टी के साथ मिला करके और जो है नदी की मिट्टी के साथ मिला करके जो है भगवती का के ऊपर जो है यंत्र बनता है, स्मिता बनती है। इस प्रकार से काल चक्र भद्र पुरुष का यंत्र बनता है, ऐसे गोल करके, ऐसे हाथ ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ करके उसी कलश के ऊपर। तब उस कलश को सिद्ध कर लेते हो आप, यदि उस कलश में जल पड़ करके यदि आप किसी को दे देते हो तो उस जल के प्रभाव से जीवन में व्यक्ति के जिसके बुखार चढ़ रहा वो बुखार काबू आ जाता है। मतलब माँ भगवती शीतला का जो झाड़ा होता है या फिर झाड़ा लगाया जाता है, झाड़े बोलते हो आप लोग, तो वो नीम के पत्तों से लगाया जाता है या फिर जो ताड़ के जो पत्तों का जो पंखा होता है उस पंखे से लगाया जाता है। यदि किसी को खून की कमी आ रही हो ये सब चीजों को एकत्र करना पड़ता है उन सबको। और भगवती शीतला को जो प्रिय भोजन है वो शीतल भोजन प्रिय, अर्थात रात के समय पे रखा हुआ भोजन वो सुबह में माता को चढ़ेगा। अर्थात इस साधना को करने के लिए आपको पहले तो अपना बाजोट का आसन, अपनी जो है माला और अपना जो कलश मंडल है, विषाह पात्र है और साथ में जो अलग अलग जगहों की मिट्टी है, इन सबको एकत्र करके उसके मध्य रख करके पूजा करनी पड़ती है। और इसकी जो दिशा होती है वो पूर्व होती है, पूर्व या पश्चिम ले सकते हो। पूर्व में रखोगे तो लोगों का कल्याण करोगे, पश्चिम में रखोगे लोगों को समृद्धि भी दे सकते हो उससे। ये इस आसन का विधा रहता है इसका संपूर्ण रूप में करने के लिए। और इसको सिर्फ जो ये आ रही है ना, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो सिर्फ 1.5 घंटे का जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस 1.5 घंटे के चंद्र ग्रहण में आप इसको जागृत कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, इजिली सिद्ध कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस विषा पात्र को सामने रखना है और विषा पात्र के ऊपर जो यंत्र बनवाना है उस यंत्र के ऊपर जो है पंचोपचार और दशोपचार पूजा आपको करनी है। दशोपचार पूजा करने के उपरांत 10 प्रकार, अब हम बता देते हैं कि पंचोपचार पूजा क्या होती है। 5 प्रकार की चीजों को मिलाकर के जो पूजा होती है वो पंचोपचार, 10 प्रकार की चीजों को मिलाकर के जो पूजा होती है धूप दीप नैवेद्य अर्घ पात्रम ये सब जो होता है ये दशोपचार पूजा होती है। तो दशोपचार भगवती की पूजा करने के उपरांत भगवती की जो पूजा है वो षोडशोपचार पूजा करनी है। षोडशोपचार पूजा करने के उपरांत का पीठ न्यास पूजा करनी है, जो कलश मंडल के ऊपर विराजमान जो काल चक्र भद्र पुरुष बना है उसके ऊपर मातृका पीठ न्यास पूजा आपको करनी है। मातृका पीठ न्यास पूजा करने के उपरांत जो कनेर की माला है उस माला से आपको ग्रहण काल में जितना से जप हो सके उतना ज्यादा जप आप कर लीजिए। ग्रहण काल संपूर्ण होने के उपरांत देसी घी मक्खन धृत शतदोत्र धृत अर्थात 100 प्रकार की अलग अलग गायों से मिला करके एक किया गया जो मक्खन होता है उस मक्खन को आपस में मिला करके और जो कच्चे आम जो होते हैं, अबे आप बोलोगे इन दिनों में कच्चे आम तो हमें नहीं मिलेंगे, कच्चे आम की बजाय जो नींबू शक्त जो होता है ना खट्टा उसको आपस में मिला करके इस भगवती का यज्ञ होता है उसी मंत्र से जप करके उसके बाद जब जप संपूर्ण हो जाए आपको विसर्जन करना पड़ेगा जो विषपात्र होता है। विषपात्र जो हमने बताया वो नारियल जो होता है उसको आधा तोड़ करके जो विषैला नारियल होता है वो समुद्र से मिलता है उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। विषापात्र को आपको किसी भी बहते जल में प्रवाह करना पड़ेगा। प्रवाह करके जब तक आप आओगे आपको ये मंत्र सिद्ध हो चुका होगा। इस मंत्र को यदि कोई गुरु मार्गदर्शन में सीखना चाहे तो हम सिखा सकते हैं, वैसे ही सिखा देंगे हम, क्योंकि इससे लोगों का जो है भला हो रहा है और निसंदेह कोई इसमें कोई दो राय संदेह नहीं है। लेकिन हर किसी को इस मंत्र की विद्या प्राप्त चल जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे लोग जो है अपना भी बुरा कर सकते हैं, क्योंकि विषा पात्र के कई नियम होते हैं और ये गुरु मार्गदर्शन में हो सकता है और वो व्यक्ति कर सकता है जो किसी गुरु से दीक्षित हो, किसी गुरु का मंत्र जाप पहले से कर रहा हो, उसको ये मंत्र साधना जो है हमारे द्वारा मिल जाएगी। किस बच्चे ने अगर करना हो तो वो हमें बोल दीजिएगा, हम वैसे ही दे देंगे उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जय श्री महाकाल, जय कामाक्षा माता। बस अब जो है बंगला मुखी की जो दीक्षा है वो हम 31 तारीख को सभी को ऑनलाइन दे रहे हैं। जो बच्चे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं माँ पीताम्बरा की वो फटाफट से हमें व्हाट्सएप पे डीएम करें, और क्योंकि अब जो है 28 तारीख लास्ट है इसकी, इसके उपरांत हम किसी को कोई भी जो है मतलब ऑनलाइन नहीं हम लेने वाले हैं। ऑनलाइन जो बच्चों की है वो मतलब 28 तारीख से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो 28 तारीख के बाद किसी की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएगी। 31 तारीख तक सभी को जो है हम माँ पीताम्बरा की दीक्षा प्रदान कर देंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाक्षा। भगवती मनोकामना आप सभी की पूर्ण करें, कल्याण करें। माँ कामाक्षा आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें।